परभणी जिल्ह्यातील संसदरत्न खासदार फौजिया खान मॅडम यांच्या खासदार निधीतून प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये मदीना नगर परिसरातील मदीना चौक ते अल करीम स्कूलच्या मुख्य सिमेंट रस्त्याचे उद्घाटन खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. सदर सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी 39 लाख रुपये खासदार निधीतून देण्यात आले आहे. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तुतारी या नवीन चिन्हाचे अनावरण करण्यात तसेच डॉक्टर फौजिया खान यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय. याप्रसंगी त्यांनी वार्ड क्रमांक 2 मध्ये विकास कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे आश्वासन दिले. तसेच यावेळी वार्डातील प्रतिष्ठित नागरिकांच्या वतीने डॉक्टर फौजिया खान यांचा सत्कार करण्यात आलाय. यावेळी शहर जिल्हाध्यक्ष जाकीर अहमद खान, माजी नगरसेवक अली खान, पाशाभाई कुरेशी, सेवानिवृत्त फॉरेस्ट अधिकारी तहसीन अहमद खान, विधानसभा अध्यक्ष अजय गव्हाणी, कार्याध्यक्ष विकास लंगोटे आणि मान्यवरांसह प्रभागातील नागरिक व महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एमसीएन न्यूज मराठी करिता महबूद खान, परभणी. साहब आंबेडकर ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमको ऐसे इख्तियार देता है कि जिससे हम मजबूती से खड़े रहकर संघर्ष करके हम अपनी जीत को कायम कर सकते. कुछ लोग हमारे हैं जिनको डराया गया, धमकाया गया, उन्होंने भगवे रुमाल ओढ़कर वो चले गए डर के मारे, उनके साथ लालच से गए, डर के गए, जो भी. लेकिन इस पॉलिसी के साथ जहां किसी भी एक समाज के साथ, किसी भी कोई भी हो, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर वहां उसके साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए कोई जाता है तो वो गलत बात है. अगर वो कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ नहीं है, हम तो अलग है, लेकिन है तो बीजेपी के साथ ही, कैसे बोल सकते हैं कि हम अलग हैं? जब बीजेपी का की पॉलिसी ये है कि इबादतगाहों को तबाह कर दो, लोगों के घर लूट लो, नाइंसाफी करो, आप उनके साथ रहेंगे तो आप क्या अलग हैं? ऐसा हो नहीं सकता. और इसीलिए शरद चंद्र पवार, इन्होंने, इनको भी बहुत तकलीफ दी गई, बहुत दबाव डाला गया, इनकी पूरी पार्टी को फोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं, चाहे मैं अकेला रह जाऊं, लेकिन मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लोगों के सामने जाएंगे, लोग खुद हमको वोट देंगे, और हमको ऐसे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहना होगा. पवार साहब के साथ बहुत कम लोग रहे, उसमें से हम हैं, कि हमने भी बोले कि नहीं, हमको भी लालच दी गई, हमको भी डराया गया, लेकिन हमने कहा नहीं, हम इस उसूल के साथ रहेंगे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए. हम किसी भी चीज के लिए उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. और इसीलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये सब हमारे जो लोग यहाँ है, आप इनका भरपूर साथ दीजिए. जाकिर लाला है, अली खान है, फहद है, हमारे पाशा कुरैशी साहब है, और जितने लोग आपको सामने दिख रहे हैं, इन सबके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम आपका है, क्योंकि ये भी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं. और इसीलिए इतना ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार फिर मुबारकबाद देती हूँ कि एक नया रोड यहाँ पर आज से शुरू हो रहा है आपके लिए. इंशाल्लाह इस रोड का फायदा आप सबको मिलेगा, आराम हो जाएगा, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और विकास करने के लिए हम करते हैं.